हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चिराग कोटक और मैं आज आपको टॉवल्स के विषय कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा होता है कि जो जीएसएम होता है टॉवल का और वेट होता है वो एक ही होता है, पर ये दोनों अलग अलग है। जीएसएम मतलब जो टॉवल की जो विड्थ एंड लेंथ है, चौड़ाई और लंबाई है, उसको नापा जाता है और उसके हिसाब से जितना मटेरियल उसमें डाला जाता है उसका एक वैल्यू निकाला जाता है, उसे जीएसएम कहते हैं, ग्राम पर स्क्वायर मीटर। और वेट अलग होता है। जीएसएम की मदद से आप टॉवल का वेट निकाल सकते हो, और अगर आपके पास वेट भी है और मेजरमेंट भी है तो आप जीएसएम भी निकाल सकते हो। तो चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। तो मेरे पास ये एक वेल्सपन का टॉवल है जिसका मेजरमेंट 50 सेंटीमीटर बाय 1.50 मीटर है और ये 482 जीएसएम की क्वालिटी है। तो हम हिसाब करेंगे कि इसका एक्चुअल वेट कितना होना चाहिए। तो मैं कैलसी के मदद से इसका वेट निकालूंगा। ये 70 सेंटीमीटर है, यानी कि 0.7 मीटर है इंटू 1.5 मीटर है, तो हमारा टोटल मेजरमेंट हुआ 1.05। ओके, तो एक फॉर्मूला है उसके हिसाब से हम इसका वेट निकालेंगे। पहले तो हमने इसका लेंथ और विड्थ दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया और जो वैल्यू आया उसको हमें 482 जीएसएम से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा एक्चुअल वेट निकल के आ जाएगा 482, तो 506 ग्राम के करीब, 0.7 × 1.5, 1.05 × 482, तो 506 इसका वजन होना चाहिए। तो चलो मैं इसका वेट भी करके आपको दिखा देता हूँ। जो हिसाब मैंने किया वो सही है कि नहीं, चलो मैं दिखाता हूँ। ठीक है, 506 ग्राम। तो ये इस टॉवल का वेट हुआ। तो 506 इसका वेट है और 482 इस टॉवल का जीएसएम है। तो ये दोनों चीज अलग है। ऑनलाइन में भी आप देखोगे तो उसमें लिखा रहता है जीएसएम, तो कई बार जो परचेज करता है वो उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है कि ये वेट क्या है और जीएसएम क्या है। तो इसी वजह से आज मैंने आपको ये पूरा डाउट क्लियर कर दिया है। साइज को अगर हम जीएसएम से कैलकुलेट करेंगे तो उसका वेट निकल के आता है, और अगर अपने पास वेट है, सपोज कि इसमें वेट लिखा होता है, तो हमारा जो वेट था वो 50 506 ग्राम था, उसको हमें जो इसकी लेंथ और विड्थ थी उससे डिवाइड करना है, 1.506 डिवाइड बाय 1.05, तो हमारा जीएसएम निकल के आ जाएगा 482। ठीक है, थैंक यू।